आज संसद के पुराने भवन में 17वीं लोकसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा के संस्मरणों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 सम्मेलन की कामयाबी को 140 करोड़ भारतीयों की कामयाबी बताई। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की सराहना की। साथ ही देश में इमरजेंसी, संसद में कैश फॉर वोट और संसद पर आतंकवादी हमले जैसे प्रकरणों का भी जिक्र किया। नए संसद भवन में विशेष सत्र के आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों को मंजूरी की संभावना है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा था कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस ने दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सदन में G20 को G2 कहने पर विवाद हुआ। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि खड़गे G20 को G2 कहकर राष्ट्र का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने सफाई दी कि G20 के लोगों में शून्य की जगह कमल का फूल ही नजर आता है, इसलिए वो इसे G2 कहते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन ने खड़गे के इस बयान को उनके व्यक्तित्व के मुकाबले स्तरहीन बताया। संसद के विशेष सत्र की अगली कार्यवाही कल नए संसद भवन में चलेगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन परिसर में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का ज्वाइंट फोटो सेशन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को कल सुबह 9:15 बजे तक संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दोपहर 1 बजे के बाद नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। सभी सांसदों को भारत के संविधान की प्रति, भारतीय संसद का स्मारक सिक्का और नए संसद की बुकलेट का गिफ्ट बैग भी दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है, उनकी पार्टी हर समय तैयार है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। सरकार चाहे तो लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराकर देख ले। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव होने की बात कही थी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, गरीबों और नौजवानों के लिए नकद पैसों से लेकर सस्ते सिलेंडर और मुफ्त बिजली योजनाओं से लेकर पेंशन योजना तक 6 वादों की घोषणा की है। BRS ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखेबाजी का पिटारा करार दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार 6ठे दिन भी आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहा। पहाड़ी पर छिपे आतंकवादियों पर ड्रोन से सटीक हमला किया जा रहा है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़गाम में शहीद हुमायूं भट्ट के परिजनों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश और गुजरात में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की शिप्रा और गुजरात में नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के कारण रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रत्यक्ष कर वसूली 23.51% से बढ़कर 16 सितंबर तक 8,65,117 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अमेरिका का एक F-35 मरीन कोर लड़ाकू विमान दक्षिण कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद लापता हो गया है। विमान का पायलट एग्जिट हो चुका है और विमान ऑटो पायलट मोड पर है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले इस विमान का रडार से भी पता नहीं चल रहा है।